तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है, और ये इस बिल्डिंग से हमने एक बॉल को यहाँ से मैंने रिलीज कर दिया। ये बॉल इनिशियल वेलोसिटी u जीरो से रिलीज कर देंगे तो ऑब्वियसली ये नीचे ही आएगा। तो ये कहते हैं कि ये बॉल और इस बिल्डिंग की हाइट पहले से h दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इट टेक टी, मतलब आने में उसको टाइम टी सेकेंड लग गया ग्राउंड तक। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बॉल इन टी बाई थ्री सेकेंड। तो टी बाई थ्री ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, तो हमको नहीं पता भैया कि कहाँ होगा। तो हम मान लेते हैं, तो चलो ये मान लेते हैं कि ग्राउंड से जो हाइट एक्स हाइट पर होगा ग्राउंड से, तो यही तो हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अगर एक्स है तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो एच माइनस एक्स आ जाएगा, और इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं ऊपर से लगा देता हूँ, तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी जीरो प्लस हाफ यहाँ से जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही बन गया। अब मैं पूरे मोशन के लिए एस इज इक्वल टू यू टी लगा देता हूँ फॉर बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट दिया था, बिल्डिंग का टाइम दिया था। तो पूरी बिल्डिंग के लिए एस इज इक्वल टू यू टी लगाऊँ तो माइनस एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो हाफ और जी ऑफ कैपिटल टी का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि एच की वैल्यू आ जाएगी जी कैपिटल टी स्क्वायर बाई टू। तो ये जो एच की वैल्यू आई जी कैपिटल टी स्क्वायर टी, यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से बेसिकली हमें एच की वैल्यू कैपिटल जी और टी के टर्म में यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से तुम देखोगे टाइम स्क्वायर, पूरे टाइम का स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो टू एच अपन जी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से अगर टू एच अपन जी के बराबर आ जाएगी यहाँ से, तो ये कहते हैं कि चलो मान लो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल इन टी बाई थ्री सेकेंड। तो ये यहाँ से ये जो ये वाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आने में, वाई डिस्प्लेसमेंट होने में जो टाइम टी लगा है वो टी बाई थ्री सेकेंड है। तो टी बाई थ्री सेकेंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वाई को लिख सकता हूँ हाफ जी और टी बाई थ्री सेकेंड का स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जी अपॉन 18 आ जाएगा और यहाँ से टाइम टी का स्क्वायर मतलब टू एच अपॉन जी आ जाएगा। तो ये जी ने जी को काट दिया और ये आ जाएगा 9, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी h अपन 9, मतलब ऊपर से बॉल h अपन 9 मीटर होगा। तो नीचे से कितना होगा यार, तो नीचे से x की वैल्यू आ जाएगी h माइनस h की वैल्यू आ जाएगी h माइनस y, तो h माइनस y की वैल्यू h अपन 9 है, तो ये आ जाएगा 8 h अपन 9, मतलब ग्राउंड से 8 h अपन 9 पर होगा और ऊपर से h अपन 9 पर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ गया होगा। थैंक यू।